जय माता दी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत बढ़िया और मज़े में होंगे। जी तो आज मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग से, और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 4:30। आज बच्चों की पेरेंट्स मीटिंग है, तो छुट्टी है उनकी, तो वो सो रहे हैं, वो बच्चे भी सो रहे हैं, उनके डैडी भी सो रहे हैं, तो आज उनको स्कूल भेजने का टेंशन है नहीं। फिर भी मैं अपने टाइम से ही उठ गई हूँ और यहाँ करने लगी हूँ मैं अपना झाड़ू, और झाड़ू के साथ में ही फिर मैं यहाँ सोफ़े अपने बिल्कुल साफ़ कर दूँगी। जैसे कि मैंने पहले बताया हुआ है आपको, ये सोफ़े के कवर सिलवाए हुए हैं मैंने, तो यहाँ ये लोग उठते बैठते हैं तो ये थोड़ा सा लूज़ हो जाते हैं, तो इनको मैंने एक कॉम की हेल्प से अच्छे से इनके कॉर्नर वगैरह सब दबा दिए हैं, और देख ही रहे हो आप कि बिल्कुल साफ़ हो गए हैं। तो जब भी मैं सफाई करती हूँ तो ये वाला मतलब ज़रूर करती हूँ मैं, ये सोफ़े जब भी थोड़ा सा इनके कवर लूज़ वूज़ हो जाते हैं तो मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगते हैं। तो यहाँ मैं झाड़ू लगा ले रही हूँ, और डाइनिंग टेबल के नीचे से हमेशा ही मैं इस तरीके से चेयर्स हटा के झाड़ू लगाती हूँ, जिससे कि बारिश के टाइम पे थोड़ा सा धूल मिट्टी जो होती है वो उड़ती कम है, जम ज़्यादा जाती है। तो फिर मैंने वो अच्छे से क्लीन कर लिया है नीचे से। यहाँ मेरा झाड़ू कम्प्लीट हो गया है। फिर मैं लेती हूँ अपना डस्टिंग करने के लिए अपना कपड़ा उठाती हूँ, तो यहाँ मैं अपना डस्टिंग करना शुरू हो गई हूँ। ये जो कवर्ड है, वैसे भी ड्राॅइंग रूम में थोड़ा सा बच्चे और ये ज़्यादा रहते हैं तो थोड़ा गंदा ज़्यादा हो जाता है, इस वजह से मैं डेली ही वहाँ की डस्टिंग कर देती हूँ। और ये जो ड्रॉर थी ये मैंने वहाँ इसलिए रखी है उस जगह पर क्योंकि आरू हमेशा ही बैग ला के यहाँ पटक देता था, तो अब ये है कि बैग को वो उसके अंदर रख देता है तो बस सोफ़े पे पूरा दिन पड़ा हुआ दिखाई नहीं देता। तो यहाँ मेरा झाड़ू पोछा कम्प्लीट हो चुका है, टाइम हो गया अभी 5:30 का। तो जिस दिन मुझे हेयर वॉश करना होता है उसी दिन मैं अपने दोनों वॉशरूम साफ़ कर देती हूँ। तो ये वॉश बेसिन तो मैं जब भी अपने हाथ भी वॉश करती हूँ, तो जैसे फेस वॉश करती हूँ, हाथ वॉश करती हूँ, तो जब भी मुझे थोड़ा गंदा लग रहा होता है तो मैं साथ के साथ ही उसमें हाथ मारती रहती हूँ, और कमोड अपना उसी दिन साफ़ करती हूँ जिस दिन मुझे अपना हेयर वॉश करना होता है। तो बस जी मैं यहाँ नहाने लगी हूँ, नहाने के बाद मैं मिलती हूँ आपसे पूजा करने के टाइम पर। मेरा पूजा पाठ दिया बत्ती सब कंप्लीट हो गया है, और इधर आ गई हूँ मैं अपना अजवाइन का पानी बनाने के लिए। तो 5 मिनट पहले मैंने बस पानी रखा था, उसमें अजवाइन डाल के बॉईल करने के लिए रख दिया था क्योंकि रात को गलाना मैं भूल गई थी, तो 5-7 मिनट में गला देती हूँ। फिर यहाँ बिल्कुल फ्री हूँ अभी, तीनों लोग वो तो सो रहे हैं, दोनों बच्चे और उनके डैडी सो रहे हैं, तो यहाँ मैंने सिप सिप करके अपना पानी पी लिया है। उसके बाद मैं ये बना रहे हैं अभी इस टाइम पर चाय, सुबह की चाय हमेशा ही मेरे हस्बैंड बनाते हैं, स्टार्टिंग से ही 16-17 साल से ही वही बनाते आ रहे हैं, इमरजेंसी में बनाती हूँ मैं। तो यहाँ उन्होंने आज, ये बहुत ट्रेंड में चल रहा है कि 2 दीपक मिट्टी के डाल के चाय बनाने वाला, तो रील भी बहुत वायरल चल रही है ये, तो हमने बस वही देखी थी, तो आज वो चाय बना रहे हैं उसी तरीके से। तो बस उसमें दीपक डाले हैं, पत्ती डाली है और पानी डाल दिया है, उसके बाद में ये दूध डाल रहे हैं, लेकिन दूध बस निकल गया है बाहर फ्राई पैन से बाहर, तो कोई इशू नहीं है, पहुँच देंगे, वो तो पहुँच भी दिया देख लीजिए। तो साफ़ सफाई का मेरे अंदर बहुत कीड़ा है, तो बस उनको डर लगता है इसलिए वो साथ के साथ ही उन्होंने क्लीन कर दिया है। तो यहाँ जी चाय छान ली है, और जैसे कि हमेशा मेरे व्लॉग्स में आप देखते ही हो कि मेरे व्लॉग्स में कुछ भी चेंज हो सकता है, आपको मिल सकता है, लेकिन ये वाला जो टाइम है वो हमेशा ही इस तरीके से मिलता है। तो बस मैं पानी पी के भी फ्री हुई हूँ, और यहाँ मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही चाय पी रहे हैं, और ये टाइम मेरे व्लॉग्स में हमेशा ही आपको देखने को मिलेगा कि हम दोनों साथ में ही चाय पीते हैं। चाय पीने के बाद में आज
इनकी भी छुट्टी है, तो हम लोगों को जाना है आज मंडी, जैसे कि ना कैफ़े के लिए हमें हफ्ते में एक दिन सब्ज़ी लेकर आनी होती है, तो वैसे ही किसी और के साथ में चले जाते हैं, कोई और साथ जा रहा होता है तो वो भी सब्ज़ियाँ लेकर आ जाता है अपनी, लेकिन आज कोई इनको साथ ले जाने के लिए मिला नहीं, तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं चलती हूँ, क्योंकि सब्ज़ी जो लेकर आनी होती है वो इधर उधर से जगह जगह से सब्ज़ी लेकर आनी होती है, एक जगह इकट्ठी करनी होती है, तो दूसरा बंदा ज़रूरी ही चाहिए। तो अभी टाइम सुबह के 7 बज रहे हैं, आज बारिश हो रही है तो मौसम बहुत अच्छा है, और ये लोग रनिंग करते हुए बच्चे इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि हम आर्मी एरिया में रहते हैं, तो यहाँ इस तरीके की चीज़ें चलती रहती हैं, रनिंग हुआ, एक्सरसाइज हुआ, और किसी की भर्ती होती है तो ट्रेनिंग वाले लोग भी इसी तरीके से हमें देखने को मिल ही जाते हैं। तो यहाँ पहुँच गए जी हम मंडी, तो मंडी का आप देख ही रहे हो, फ्रूट्स भी यहाँ ढेरों मिल रहे हैं, सब्ज़ियाँ भी मिल रही हैं, लेकिन बारिश हो रही है इस वजह से थोड़ा सा सही से मंडी नहीं लगी है। तो यहाँ स्कूटी के पास मैं खड़ी रही थी और हस्बैंड जहाँ से भी सब्ज़ियाँ लेकर आनी थी तो वो लेकर यहाँ आते रहे थे, तो यहाँ हमने सब्ज़ियाँ लेकर घर आ गए थे। अभी टाइम हो रहा है 8:30 बजे का, हम सब्ज़ियाँ लेकर भी आ गए, सब कुछ फ्री हो गया, ये शिमला मिर्च भी लेकर आए थे, तो आज किट्टू को भरवा शिमला मिर्च खानी थी, तो बस मैंने यहाँ शिमला मिर्च में से बीज और उनके डंठल निकाल दिए थे, यहाँ ढेर सारी मैंने प्याज और हरी मिर्च चॉप कर ली है, थोड़ा सा ऑयल डाला है उसमें, और मैंने ये दोनों चीज़ें डाल के बेसिक से जो मसाले होते हैं वो डाल दिए हैं, धनिया मिर्च खटाई और अमचूर जैसे कि, और नमक मैं लास्ट में डालूंगी, तो इनको अच्छे से भून लूंगी, और ये डाल दिया है जी मैंने नमक। उसके बाद में आलूओं को इनका जो भरता है वो मैंने थोड़ा सा ठंडा कर लिया है, इनको शिमला मिर्च के अंदर अच्छे से मैं भर लूंगी, और भरवा शिमला मिर्च मुझे और किट्टू को बहुत अच्छी लगती है, तो यहाँ आज अच्छी अच्छी सी शिमला मिर्च थी एकदम से फ्रेश, तो मेरा भी मन कर रहा था, तो यहाँ मैंने सरसों का तेल लिया है, उसको बॉईल कर लिया है, उसमें डाल दूँगी मैं ये शिमला मिर्च, और इनको थोड़ी देर के लिए ढक दूँगी, और हल्का हल्का मतलब 5-5 मिनट बाद मैं इनको चलाती रहूँगी जिससे कि ये चारों तरफ से पक जाएँ। तो यहाँ आप देख ही रहे हो कि शिमला मिर्च लगभग बनने पर आई ही गई हैं। तो यहीं तक था जी आज का मेरा ब्लॉग, मैंने खाना पीना तो सब बना लिया, लेकिन उठने के बाद में इन लोगों का मन कर गया है, आज छुट्टी है तो बेड़े ही खाने का, तो मेरा खाना पीना तो सब ऐसे ही रह गया जो तैयारी करी है, पर कोई नहीं ये लंच में काम आ जाएगा। और यहाँ थोड़े से बर्तन थे वो साफ़ कर रही है, और छुट्टी वाले दिन किट्टू काफ़ी हेल्प कराती है, सब अपने अपने काम कराते हैं, सबके बटे हुए काम है, तो यहाँ आरू ही बेड़े लेकर आया था साइकिल से, तो यहाँ हम बेड़े का नाश्ता करेंगे। तो आज का था जी मेरा इतना सही छोटू सा ब्लॉग, तो अगर आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लग रहे हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करिए, लाइक भी कर दिया करिए, जिससे कि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। मिलते हैं फिर आपसे इसी तरीके की वीडियोस के साथ में, तब तक अपना ध्यान रखिए, टिल देन।